हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सुबह सड़क हादसा हो गया जिसमें एक प्राइवेट बस दुर्घटना का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक शिमला में टूटीकुंडी बस स्टैंड के करीब एक निजी बस अनियंत्रित होकर 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि बस में सवार एक दर्जन यात्री बाल बाल बच गए। यह दुर्घटना शिमला कालका नेशनल हाईवे पर MLA क्रॉसिंग के पास हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय रूट की निजी बस मोड़ पर सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में बिना पलटे खाई में जा गिरी। इस वजह से यात्रियों को चोटें नहीं आई। गनीमत यही रही कि पेड़ ने बस को गहराई में गिरने से रोक लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान बाइक सवार चोटिल हुआ है और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और बचाव टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। बालूगंज थाने के SHO के मुताबिक बाइक सवार की हालत खतरे के बाहर है, जबकि बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सवार एक दर्जन यात्री बाल बाल बच गए हैं। यह दुर्घटना शिमला का नेशनल हाईवे पर MLA क्रॉसिंग के पास हुई है। एनवन लाइव की खास रिपोर्ट। सीधा बाइक वाला ओवरटेक कर रहा था, वो गाड़ी में बजा और गाड़ी रुकी नहीं सर। अच्छा, आपकी गाड़ी में बजा? हाँ जी, हाँ जी, सेंटर में बजा, फुट रेस्ट के पास बजा जी। अच्छा, फुट रेस्ट के पास। फिर आपने कंट्रोल करने की कोशिश? कंट्रोल करने की कोशिश की, गाड़ी रुकी नहीं सर। अच्छा, फिर जब नीचे गिरी तो लगा होगा थोड़ी देर के लिए आपको, कि क्या हो गया सर? मैं तो बस कितने लोग थे लगभग? सर, इसमें से 15-16 लोग थे जी। सभी ठीक है? अभी हम ठीक है। ये सर पता नहीं कैसे रुकी, तो भगवान क्योंकि भगवान। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पेड़ की वजह से रुकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा बैलेंस जी सर। देखिए, ये चालक थे, इन्होंने बताया। मेरा नाम केदारनाथ है सर। जो उस बस को चलाते हैं